नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी प्रवक्ता आपका स्वागत करता हूँ। आज हम EL 204 में जो यूनिट 5 है उसके तहत 5.1 सब यूनिट के तहत टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो दूसरा नाम है हिंदी में जो हम कहते हैं दिष्टकारी, इसकी क्या परिभाषा है? रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ एसी सिग्नल से हमारा तात्पर्य है कि कोई यूनिडायरेक्शनल सिग्नल हो, और डीसी मतलब सॉरी एसी सिग्नल वह सिग्नल है जो कि बाईडायरेक्शनल सिग्नल हो, यानी कि जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हो और नेगेटिव हाफ साइकिल भी हो। और डीसी सिग्नल से तात्पर्य यूनिडायरेक्शनल सिग्नल से है जिसमें कि पल्सेटिंग, बेसिकली पल्सेटिंग डीसी होती है, यानी कि इसमें केवल एक हाफ साइकिल होगी। तो जो एसी को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करे उस सर्किट को हम रेक्टिफायर सर्किट कह रहे हैं, और इस प्रक्रिया को हम रेक्टिफिकेशन यानी कि दिष्टकरण कहते हैं। तो दिष्ट का मतलब एक पर्टिकुलर दिशा। तो पहला है इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है? हाफ वेव दिष्टकारी केवल एसी की जो केवल धनात्मक हाफ साइकिल होती है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है इनपुट साइड इनपुट सिग्नल की, उसको आउटपुट में पास होने देता है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसको ये रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसके इनपुट में हम जो एसी देते हैं, एसी किस तरह टाइप की दे रही है? फुल एक साइन वेव सिग्नल है जिसमें दोनों हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर के 180 डिग्री यानी पाई रेडियन तक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल पाई रेडियन से 2 पाई रेडियन तक है। तो उस इनपुट को हमने VI से दर्शाया है। इसका जो मैक्सिमम आयाम हो सकता है, एम्पलीट्यूड जो है, वो VM से प्रदर्शित है, और नेगेटिव साइड में ये -VM तक जा सकता है। एक्स एक्स जो है, जो उस पर हमने इसको हमारा अक्ष पे टाइम को प्रदर्शित कर रहे हैं, और वाई अक्ष पे क्या है? वोल्टेज है। तो ये जो एसी इनपुट हम इसमें दे रहे हैं, ये इस हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजरने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ऐसी पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये हमें आउटपुट में मिलेगी। तो आउटपुट का जो वोल्टेज की जो आकृति होगी वो कैसी होगी? हमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे 0 से पाई तक, उसके बाद पाई से लेकर 2 पाई यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री तक हमें 0 वोल्टेज मिलेगा, यानी कि ब्लॉक हो गई हमारी। जो इनपुट में ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल थी, ये आउटपुट में नहीं दिख रही है, यानी कि ये अवरुद्ध कर दी गई है इस हाफ वेव रेक्टिफायर द्वारा। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो गई है, और उसके बाद वापस से ये साइकिल रिपीट होगा 2 पाई यानी 360 डिग्री से आगे, ये फिर हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी आउटपुट में। तो ये इसकी बेसिक फंक्शन है। अब हम देखें कि इसका जो सर्किट क्या होता है, कि हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है। इसके इनपुट साइड में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का हम इनपुट एसी देंगे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यानी प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी में कम टर्न्स से हमने इसको दिखाया है। ये इसमें बीच में कोर शो कर रहा है इसकी पारगम्यता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो ये पीएन डायोड है, ये एक स्विच की भांति काम करेगा, इसे हम एक आइडियल डायोड मान के चलेंगे अभी फिलहाल। और ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ये आउटपुट वोल्टेज है जिसके कि हम बाय डिफॉल्ट जो इसकी पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वो यहाँ प्लस मान रहे हैं, और आउटपुट में हमें ये पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इनपुट में हमने फुल वेव मिल जो दोनों हाफ साइकिल्स दिख रही हैं हमें, इनपुट एसी है, और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद हमें यहाँ पर जो कितना मैक्सिमम इस कॉइल के इसी जो वाइंडिंग है इसके अक्रॉस जो है हमें VM वोल्टेज मिल रहा है,
जब हम एक बार पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो जब केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमें इसके अक्रॉस क्या मिलेगा, प्लस Vm मिलेगा। इस प्रकार से इसकी पोलैरिटी होगी, इधर माइनस होगा। और जो डायोड है हमारा, ये जो डायोड था, ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यानी VD=0, क्योंकि जो है शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो होगा। और ये लोड रेजिस्टेंस है और आउटपुट वोल्टेज हमने ये शो कर रखा है। अब अगर हम इस सर्किट पे, इस हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान का ये दृश्य है, इस पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आरोपित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम आरोपित करते हैं तो हम देख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन मिलेगी हमें। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वी एम है, इस चित्र में जो वी एम दिखाया है, ये वी एम जो है, दिस विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वी ओ वोल्टेज, यानी ये जो वोल्टेज है दिस इस ये जो किसके इक्वल होगा, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के योग के इक्वल होगा। वी एम इज इक्वल टू वी डी प्लस वी जीरो, ये हमारी एक इक्वेशन है। अब अगर आइडियल डायोड है तो वी डी चूंकि जीरो होगा, तो हमने ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वी डी को जीरो पुट कर दो आप, तो क्या होगा कि वी एम जो है वो वी नॉट आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्लस वी एम के बराबर है, यानी एज इट इज हमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिल जाएगी। ये बात कब की है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी इनपुट एसी में। अब हम देखेंगे जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, मान लीजिए, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस वक्त ये सिनेरियो बनेगा, ये माइनस वी एम है यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में अप्लाई होगा, तो हमें स्टेप डाउन होकर के ये इस ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये माइनस वी एम मिलेगा। माइनस वी एम यानी कि इस ये जो हमारा सिरा है वाइंडिंग का, इस एंड पर माइनस पोलैरिटी आ रही है, और यानी कि ये रिवर्स हो गई है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसके जस्ट उल्टा हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा पीएन डायोड है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एनोड है पीएन डायोड का, उस पे अब माइनस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यानी कि वो रिवर्स बायस हो रहा है, और रिवर्स बायस में उसकी इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, यानी कि वो ओपन सर्किट हाई उच्च प्रतिरोध की भांति काम करेगा। तो एज ए स्विच की ओपन कंडीशन हो गई है, तो यहाँ से अब कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि ओपन सर्किट के कारण जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट में नहीं पहुंच सकता। तो सिंपल सी बात हो गई कि वीओ इक्वल टू जीरो होगा इस केस में, कोई केवीएल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए फाइनल आउटपुट हमारा क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमें ये पॉजिटिव मिली थी, और लेकिन इस जब ये ओपन सर्किट हो जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी जीरो वोल्टेज मिलेगा, तो ये हमें मिलेगी। इस तरीके से ये पल्सेटिंग डीसी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग है। धन्यवाद।